सबसे पहले बात करते हैं कैसी जोड़ी की जो आजकल हर जगह चर्चा में है। ये जोड़ी है अखिलेश यादव और डिंपल यादव की। दोनों ही 18वीं लोकसभा के सदस्य हैं और संसद में यूपी से एक साथ आने वाले पहले कपल हैं। यूं तो संसद में कई ऐसे पल आते हैं जो चर्चा में छा जाते हैं, लेकिन इस बार 18वीं लोकसभा में एक जोड़ी ऐसी है जिनकी एक एक तस्वीर वायरल हो रही है। संसद में बोलते अखिलेश और ठीक पीछे मुस्कुराती पत्नी डिंपल, ये ऐसी तस्वीर है जो कल से सोशल मीडिया पर छाई हुई है। 18वीं लोकसभा में अखिलेश यादव और डिंपल यादव इकलौते कपल हैं जो एक साथ सदन में मौजूद हैं। ये पहली बार है जब किसी पार्टी के मुखिया और उनकी पत्नी एक साथ लोकसभा के लिए चुने गए हैं और यूपी की ये पहली ऐसी जोड़ी है जो एक साथ लोकसभा पहुंची है। कल जब अखिलेश यादव स्पीकर ओम बिरला को चुने जाने की बधाई दे रहे थे, तब डिंपल बिल्कुल उनके पीछे बैठी थी। अखिलेश यादव स्पीकर ओम बिरला को तंज के अंदाज में शुभकामनाएं दे रहे थे, तब डिंपल की मुस्कुराहट देखने लायक थी। लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। बस उनकी यही तस्वीर वायरल है। इससे पहले जब मौजूदा सत्र के पहले ही दिन अखिलेश और डिंपल संसद पहुंचे थे, तब दोनों ने एक साथ संविधान की प्रति लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया था। और बाद में अखिलेश अपने सांसदों के साथ थे तो डिंपल भी एक साथ हंसती बात करती दिखी थी और फोन में अखिलेश को कुछ दिखाती भी नजर आई थी। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। अखिलेश और डिंपल पहले 17वीं लोकसभा के सदस्य तो थे, लेकिन दोनों अलग अलग समय पर संसद पहुंचे थे। लेकिन इस बार अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं, तो वहीं उनकी पत्नी डिंपल यादव यूपी की मैनपुरी सीट से सांसद चुनी गई हैं। अखिलेश और डिंपल लोकसभा में एक साथ शामिल होने वाली छठी ऐसी जोड़ी है। इससे पहले चौथी लोकसभा में गोपालन नाम्बियार सुशीला गोपालन एक साथ जीतकर संसद पहुंचे थे। उसके बाद सत्येंद्र नारायण सिन्हा और किशोरी सिन्हा 7वीं और 8वीं लोकसभा में एक साथ थे। चौधरी चरण सिंह और गायत्री देवी 1980 से 1984 के बीच लोकसभा साथ साथ पहुंचे थे, तो वहीं 2004 और 2014 में पप्पू यादव और रंजीत रंजन बिहार से एक साथ लोकसभा सांसद चुने गए थे। इसके अलावा धर्मेंद्र और हेमा मालिनी भी एक साथ संसद पहुंचे थे, लेकिन दोनों अलग अलग सदन में थे, तो वहीं स्वराज कौशल और सुषमा स्वराज एक साथ राज्यसभा में रहे थे। लेकिन इस बार 18वीं लोकसभा में दिखने वाली इकलौती जोड़ी अखिलेश और डिंपल ही है और यूपी के इस पावर कपल पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।